सुहाग रात में ही लेट आ रही हो, इतनी अकड़ आ गई है तुम में। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या है, फलों का बाजार लगा के रखी हुई हो, शराब किधर है? अरे रे रे, आप पीते भी हैं? ये क्या है, पति के इजाजत के बगैर पलंग पर बैठ गई? क्या कहा था तुमने, पीते भी हैं क्या? मैं शराब पीऊं या उससे नहाऊं, मुझसे ये पूछने वाली तू कौन होती है? गुस्सा करोगी तो दिक्कत हो जाएगी, शांत रहो तो अच्छा। छिपकली की तरह वहाँ क्या चिपक गई? मार खाने पर रोनी चाहिए या फिर झगड़ा करनी चाहिए, ऐसी होती है भारतीय नारी। पर तू कैसी है, दोनों में से एक भी रिएक्शन नहीं दे रही है, ना ही रो रही है और ना झगड़ा कर रही है। आज हमारी पहली सुहागरात है ना, तो शुरू करें? नहीं जी। क्यों नहीं जी बोल रही है? एक हफ्ते तक व्रत है मेरा। क्या कहा तूने? व्रत है मेरा। व्रत है, मुझसे मजाक करती है? क्यों मेरी जाने मन गुलबदन, एक जादू देखेगी क्या? तू कोई मोमबत्ती है क्या जो आग लगते ही पिघल जाएगी? क्यों रे, एक हफ्ते का व्रत है, जानती थी तो शादी क्यों की? मैंने कहा की शादी, आप ही ने तो अचानक मंगलसूत्र पहना दिया। मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे जुबान लड़ाती है। ए भगवान। दुख रहा है क्या? नहीं जी। दुखना ही चाहिए, यहाँ मारा तो वहाँ दुखना चाहिए। यहाँ मारा है तो यहीं दुखेगा ना। मजाक करती है क्या, अब मैं तुझे अपना मजाक दिखाता हूँ। चल उठ जा, मैंने तुझे यहाँ मारा ना तो वहाँ भगवान को दुखना चाहिए डार्लिंग। भगवान को कैसे दुखेगा जी? वो मैं तुझे दिखाता हूँ। या, 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 या भगवान, या, है, या। आप मुझसे गुस्सा क्यों है? मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ डार्लिंग, ये तो जख्मी शेर की गर्जना है। आप मुझे पीटना चाहते हैं यही ना? मैं तेरे अंग अंग को टॉर्चर करना चाहता हूँ। कर लीजिए। हाँ। ये क्या, तू तो सुपरमैन की तरह खड़ी हो गई रे, अपने पति की सुपर पावर को नहीं देखेगी क्या? अब मैं तुझे दिखाता हूँ। या ये औरत है कि रोबोट है, अंदर से लोहे की आवाज आ रही है, मैं तो थक गया मार मार के। बाप रे, ये तो शांति से खड़ी है लेकिन मेरी हवा निकल गई, फिर से देखता हूँ। ए ब्लैकी, कितने दिनों तक व्रत चलेगा तुम्हारा? एक हफ्ते तक। एक हफ्ते तक, दो हफ्तों का टाइम ले लो, जाओ जाओ जाकर आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। हाय भाई, क्या हो रहा है उधर देखो। अरे आज भी आ गए तुम? डेली आऊंगा। वो बदमाश उस लड़की को परेशान कर रहा है, उसे सबक सिखाना होगा भाई। आने दो आने दो, यहीं से तो निकलेगा ना, तब बताऊंगा। मेरा पीछा मत करो, कितनी बार कहा है तुमसे? मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, इसका मुझे पूरा राइट है, समझी? कहाँ गई? रिक्शा, ऑटो, मत रुकना, मत रुकना, ऑटो, ऑटो, रुक जा, रुक जा, ऑटो, ऑटो, कौन है, कौन है तुम? मुझे ऑटो में जाना था, तुमने मुझे पकड़ लिया। चने चाहिए थे तो यूं ही मांग लेते। सुन बे, तू दूसरे ऑटो में जाएगा? दूसरे ऑटो में जाऊं? मैं चाहूं तो ट्रैक्टर में जाऊं, तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो? मैं भी बहुत देर से तेरी हरकतें देख रहा हूं कि तू उस लड़की का पीछा कर रहा है। कौन है बे तू? उसका मुझे पूरा हक है बे। कौन सा हक है? अरे बाप रे, बाप रे, क्या मेरे सारे चने वेस्ट कर दिए ना? मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? कौन तू? गर्जन सिंह। मेरी मार तुम सह नहीं पाओगे, चलो जाओ यहाँ से, फुटलो। मेरा एक और नाम है श्री ज्वाला सिंह, पूरा जल कर राख हो जाओगे। एक तो लड़की का पीछा करता और ऊपर से बकवास करता है, टूटे कि नहीं? अभी अभी इतना मारा ना, जल्दी क्या है, थोड़ा वेट नहीं कर सकते? कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, जल्दी निकाल। बहुत दिनों से ये सड़ा हुआ दांत मुझे तकलीफ दे रहा था, अच्छा हुआ डॉक्टर के पास जाने का खर्चा बच गया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ। और कितनी बार मैं तुझे माफ करूं बे? कहीं मेरे भागे हुए भाई को पता चल गया ना तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो इंसान भाग चुका है, उसके बारे में क्यों बोल रहा है? मैं सच कहता हूँ यार, वो लड़की मेरी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, लाइन मारने तक लवर कहते हैं, मार खाते ही बहन बन जाती है।
मैं सच कहता हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरे बाप की दूसरी बीवी की बेटी है, मैं तो उसका गार्जियन हूँ, इसीलिए उसे घर छोड़ने जा रहा था। ये क्या प्रॉपर्टी निकाली तुमने तेरे लिए, अपने बाप की बुराई करता है। भैया इस तरह से मेरा पीछा मत करो, कितनी बार कहा था तुमको, अब देखो ना उस गुंडे ने गलत समझकर धो दिया ना तुम्हें। क्यों भाई इस तरह पिटते रहते हो, आइए डॉक्टर। सॉरी मिस्टर गज, आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। आपकी शादी भी नहीं हुई ना, इस चेहरे को देखकर कौन सी लड़की शादी करेगी आपसे। चेहरे पर रेलवे ट्रैक बिछ गया, मेरे पड़ोस की लड़की चंद्रमुखी मेरा चेहरा देखकर क्या बोलती थी जानते हैं आप। जानू चेहरा देखकर प्यार नहीं होता, मन को देखकर प्यार होता है। आओ चंदू आओ। गर्जन सिंह तुम मुझे पसंद नहीं हो। मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्यों? दूसरों से पिटकर यूं चेहरा तुड़वाकर आने वाले कायर से कौन शादी करेगा, कोई भी लड़की एक वीर से ही शादी करना चाहेगी। आज मेरा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे ऐसे चेहरे को मैं क्या कोई भी पसंद नहीं करेगा। चंदू मत जा, मुझे छोड़कर मत जा। ओ भगवान, मेरा थोपड़ा टूट जाने की वजह से मेरा कितना अपमान हुआ क्या बताऊं। एक दो टके की लड़की के लिए एक जीनियस आदमी को एक गुंडे ने इतना मारा, अन्याय करने की भी हद होती है। अब मैं शराफत से पेश नहीं आऊंगा, उनसे बदला लेकर ही रहूंगा। अच्छा तू यहाँ है, मैं तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली ढूंढ रहा हूँ। आज मैं यही बनाऊंगा तेरी समाधि, बस एक हथियार मुझे मिल जाए। ए बदमाश, वहीं पे रुक जा। मुझे पहचाना क्या? नहीं पहचाना। मुझे भी तेरा आधा थोड़ा ही दिख रहा है, क्योंकि तूने मेरा ये हल कर दिया है। मैं तुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, मेरा थोबड़ा तोड़ दिया, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मेरे थोबड़े पर रेलवे ट्रैक बिछा कर मेरी मंगेतर से मेरी बेइज्जती करवा दी, मेरी शादी तोड़वा दी। क्या क्या भूचाल आया मेरी जिंदगी में, मैं तो उसी दिन मर गया होता, लेकिन मुझे तुझसे बदला लेना था ना, इसीलिए मैं तेरा वेट कर रहा था। अब मैं आ आ ई बोलूंगा, इतना बोलते ही तेरे मुंह में रिवॉल्वर की गोली घुस जाएगी, उसके बाद तेरी लाश के ऊपर मक्खियां चक्कर काटेंगी। रेडी? गर्जन सिंह रुक जाओ, गर्जन सिंह हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। बैठकर बात नहीं करनी है मुझे, तुझे मार कर फिर मैं शांति से बातें करूंगा। तैयार हो जा। तेरी तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे मारा था ना, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये चलती क्यों नहीं है? क्या बेलकड़बक है, पिस्तौल चलाने नहीं आती तो लेकर क्यों आया? पहले पटाखे की दुकान पे जाकर नकली पिस्तौल लेकर चलाना सीख कर फिर आके मारना। मर गया। अबे अभी तो सिलाई करवाई थी मैंने, फिर सिलाई करवा लेना चल। अरे वाह, लगता है गेहूं की भरी हुई गोनी से टकरा गया, इसीलिए शायद मुझे चोट नहीं आई। हाँ इंस्पेक्टर, आपकी ये पिस्तौल चलती क्यों नहीं है? अब चलेगी देख। अरे रे, ऐसे ही सिनेमा में भी पिस्तौल चलाते हैं? असली इंस्पेक्टर भी ऐसे ही चलाता है। अरे बाप रे। अब देख, आज मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। या या आ या आ या। इस छुरे से तेरा काम हो जाएगा या और बड़ा लेकर आऊं? भैया भैया, अरे मरने के टाइम पे मुझे भैया कह रहा है, पीछे देखो भैया। तू है क्या? तुम मर गए हो ऐसा गांव में सब लोग बोल रहे हैं। गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं या तू खुद ही बोल रहा है? ना 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 ना। hey, ये गर्जन सिंह लौह पुरुष है, समझा क्या? बड़ी बड़ी मार झेल सकता है। चल चल काम की बात कर। ऑपरेशन करके गोटी निकाल दी क्या भैया? गोटी? वो जो पिस्तौल में होती है ना। अबे उसे गोली बोलते हैं। ओहो। उसे निकालने पर जान को खतरा है, डॉक्टर ने कहा था, इसीलिए मैंने कहा उसे वहीं पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। भैया बॉडी में गोली रखकर जीने वाले भारत के अकेले इंसान तो आप ही हो, मुझे आप पर गर्व है भैया। यहाँ दर्द से मेरी हालत खराब है और तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है? ऐसा मत बोलो भैया। हाँ? मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वो जरूर आपकी रक्षा करेगा। कौन सा ईश्वर रक्षा करेगा? बोले ना। ए, ये टीवी सीरियल वाले भगवान को अपने पास ही रख समझा। भैया ये क्या, लोग तो बर्तन पर अपना नाम लिखवाते हैं, आपने तो चाकू पर ही लिखवा दिया। ये मेरे दिल में भड़क रहे इंतकाम की आग का नतीजा है। जब मैं ये चाकू उसके सीने में खचाक खचाक करके घुसाऊंगा, तब उसके सीने से छपाक छपाक खून बहेगा और उस वक्त वो इस चाकू को निकालने की कोशिश करेगा और उसी समय उसे गर्जन सिंह का नाम चाकू पर दिखेगा। उसकी जान निकालने के लिए ही मैंने इस पर अपना नाम लिखवाया, ताकि उसकी जान मेरा नाम देखते देखते जाए। जान जाने का डर लग रहा है ना, इसीलिए गणपति के सामने नारियल तोड़ रहे हो। चल जा बे अपना काम कर। ए भगवान, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनोगे क्या? रखो क्या बकना है। पिछली बार पिस्तौल में टेक्निकल मिस्टेक था, इसलिए तू बच गया, लेकिन इस बार मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। ये चाकू है और मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, अब देखना ये गर्जन सिंह की नाइफ कैसे तुम्हारी लाइफ की कहानी खत्म कर देती है। अरे भैया बस करो ना, कहीं भागना चाहे जल्दी फेंकिए। अब देखना भाई ये गर्जन सिंह की नाइफ कैसे कविता सुनाते हुए उसकी गर्दन काट देती है। भैया
ये चैल्स ने तो सिगरेट की तरह चाकू पकड़ लिया। तू मेरा आदमी है कि उसका है? छोड़ो ना भैया, चाकू उठाने वाला चाकू से ही मारेगा ना। तू मेरे लिए बोल रहा है उसके लिए? ए गर्जन सिंह, तू फेंकेगा तो ये चाकू कविता सुनाएगा, मैं फेंकूंगा तो स्टोरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखकर डायरेक्शन भी करेगा। अब देख वहाँ, देखिए भैया चाकू लौट कर आ रहा है। मेरा ही खून है ना, उससे बहने दे। पहले तू मुझे पास के किसी अस्पताल ले चलू क्या? पुलिस स्टेशन लेके चल। पुलिस स्टेशन? वो क्यों? बताता हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो वहाँ से निकलने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे, और इतने दिनों में वो भगवान कहीं भी भाग सकता है। पहले मैं उस भगवान को जेल भिजवाऊंगा, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊंगा, वो जेल से बाहर निकलेगा, तभी मैं उसे मारकर अपने बदले की आग बुझाऊंगा। क्या प्लान है? तो जल्दी पुलिस को बुला। उसकी कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर, चाहे कहीं भी लफड़ा हो वहाँ सही समय पर पहुँच जाता है ये बुल बुल पांड्या। इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इन पर थूक रहे हैं? इनके जरा हालत देखिए, देखिए। बताओ क्या हुआ? भगवान ने मेरे पिछवाड़े में चाकू भोंक दिया है। कहाँ? कहाँ? देखो यहाँ है। ये हंस क्यों रहा है? मुझे चाकू लगा है, इसे हंसी आ रही है। खुद से चाकू भोंक कर भगवान पर इल्जाम लगाते हो क्या? मैंने खुद ही चाकू भोंक दिया, ये आप क्या कह रहे हो? व्हाट्स योर नेम? गर्जन सिंह। चाकू पर भी वही लिखा है। इधर देखो, खुद को चाकू से मारकर भगवान पर इल्जाम लगाने की जुर्म में मैं तुमको अंदर कर सकता हूँ। तो जल्दी से निकालो 50 रुपए। वो तो इसी जेब में है ना। थैंक यू। वो नोट अब नहीं चलेगा।